नमस्कार, स्वागत है आपका INI न्यूज में। आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बिहार में शराबबंदी कानून के नए तरीके ढूंढ रहे हैं शराब व्यापारी, अवैध शराब खपाई जा रही है बिहार में। लालू प्रसाद का उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ा बयान कि जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। गिरिराज सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लालू एक राजनीतिक हास्य कलाकार बन गए हैं। पंजाब में महानगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चिली गैंग के सदस्यों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आकस्मिक विभाग में मरीज के परिजनों ने एक चोर को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि एक मरीज के परिजन का मोबाइल बेड के ऊपर से चुराकर भाग रहा था, तभी अस्पताल में मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। बाद में अस्पताल के सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचकर चोर को अपने कब्जे में लिया और उसे बरारी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। इलाज करवाने के लिए मौसा जी का पकड़ाया, तो बगल के बेड में बोर्ड था, मैंने चार्ज में लगा दिया मोबाइल, बगल में बैठे हुए थे, इतने में लड़का आया मोबाइल लेके चलते बना। आखिर लड़का कौन है, पहचानते? लड़का कौन है हम पहचानते नहीं है, बहुत देर से उस वार्ड में घूम रहा है, घूम रहा था। कोई सुरक्षा नाम का चीज नहीं है, खाली देखने के लिए गार्ड है। जैसे जैसे होली करीब आ रही है, वैसे वैसे बिहार में शराब माफिया शराब तस्करी के नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं और शराब छुपा कर रखने को अनोखी जगह भी चुनने लगे हैं। इसी कड़ी में आज दरभंगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बागमती नदी के किनारे नारद घाट के पास गड्ढे से असम निर्मित 6 कार्टून में रखे हुए 172 बोतल विदेशी शराब बरामद किया। वहीं इस सूचना के बाद स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुलिस सारे शराब के कार्टून को अपने जीप में रख थाने ले गई। वहीं मौके पर पहुंचे ASP दरभंगा दिलनवाज अहमद ने कहा कि नदी के किनारे शराब छुपा कर रखा गया था। पुलिस टीम बनाकर और छुपा कर रखने वाले शराब कारोबारी की सघन तलाश कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ बागमती नदी के किनारे नारद घाट पे कुछ अवैध रूप से शराब गड्ढे में गाड़ कर नदी के किनारे रखा हुआ। इस सूचना पर पुलिस द्वारा आकर बरामद किया गया कुल 6 कार्टून में 170 बोतल शराब बरामद हुए। ये मल्ली फॉर असम लिखा हुआ है जिस पर बेचने के लिए, ऐसा लगता है कि असम का माल है ये। अभी जो व्यापारी है उसकी पुलिस तलाश कर रही है। यूपी चुनाव को लेकर राजद सुप्रीमो के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने यह बताया कि जिस तरह फिल्मों में हास्य कलाकार लोगों का मनोरंजन करते हैं, उसी तरह लालू यादव भी राजनीतिक हास्य कलाकार बन गए हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे फिल्म में एक हास्य कलाकार हुआ करते थे महमूद जोनीवाकर, तरह तरह आज राजनीतिक हास्य पर जाने के बाद एक तरह से राजनीतिक हास्य कलाकार बन चुके हैं। भागलपुर नवगछिया क्षेत्र के उजानी गांव में बुधवार की रात एक भतीजे ने अपने सगे चाचा एवं चाची को क्रिकेट के बल्ले से बेरहमी से पीटा, फिर धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चाचा दुखन का मकान उसके बड़े भाई और भतीजा मोहम्मद इफियाज कब्जा करना चाहता था, लेकिन दुखन इसका विरोध करता था। इसी को लेकर भतीजे ने पहले क्रिकेट खेलने वाली बल्ले से अपने चाचा की पिटाई बड़ी ही बेरहमी से कर दी। उससे भी बात नहीं बनी तो भतीजे ने एक धारदार हथियार से चाचा एवं चाची की गला रेत कर हत्या कर दी। भागलपुर मायागंज अस्पताल में नवगछिया नारायणपुर निवासी एक युवती ने एक बच्चे को जन्म देकर अस्पताल में ही बच्चे को छोड़कर फरार हो गई। बताया जा रहा है कि उस युवती की शादी नहीं हुई थी और कुंवारी मां बनने के कारण बच्चे को अस्पताल में ही छोड़कर फरार हो गई। अस्पताल की नर्स किसी तरह बच्चे की देखभाल कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि युवती के द्वारा अस्पताल में अपना पता गलत बताया गया था। यूपी चुनाव से प्रचार कर पटना लौट रहे राजद सुप्रीमो ने यह बताया कि यूपी में अखिलेश और गठबंधन की लहर है और यूपी चुनाव में बीजेपी को जड़ से जनता उखाड़ देगी। वही बीजेपी पर हमला बोलते हुए यह बताया कि उनसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। पूरा एकदम उफान है अखिलेश और गठबंधन के नेतृत्व में,
ये पांचों कंस्टिट्यूएंसी कांग्रेस का था। अब 26 तारीख से पूरा पूर्वांचल का जो इलाका है वो सब जगह हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है। अब नरेंद्र मोदी अब अमित शाह बिल्कुल फुहर बात एकदम घबरा गए हैं। लोग वहाँ अनाप शनाप जो मन में आ रहा है बोल रहा है, अपना उपलब्धि नहीं गिना रहे हैं और बिल्कुल वहाँ पर जनता एकदम मन बना दिया है लोगों को। नशा से मानव सुदबुद्ध खोकर किसी की भी निर्मम हत्या कर सकता है, इसका ज्वलंत उदाहरण झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा थाना क्षेत्र के बोदा गांव में देखने को मिली। गांव में रिश्तेदार के यहां बच्चे के जन्म पर मृतिका मंगरी देवी गई थी, लेकिन घर वापस आने में देर हो गई। इधर नशे में धुत पति ने आपा खोते पत्नी मंगरी देवी पर लाठी डंडे का बरसात कर दिया। खुद की बेटी राहिल कुमारी ने माँ को बचाने का अथक प्रयास किया, लेकिन बेरहम पिता ने एक ना सुनी और मार इतनी मारी कि महिला के शरीर पर जख्म भर गए। आलम यह हुआ कि महिला ने जीवन की जंग महज कुछ घंटों में हार गई। इधर मामले की सूचना पर स्थानीय पुलिस घटना स्थल पहुंच शव को कब्जे में लेकर अपराधी पति की धरपकड़ के लिए जगह जगह छापामारी कर रही है। सूचना मिली कि एक महिला की हत्या उसके पति द्वारा कर दी गई है। इसके बाद हम लोग वहां पहुंचे, जंगल में गांव है राकात गांव में, एकमात्र सिंगल घर है, उसी में उसका हस्बैंड जो मृतक का बेटिया का नाम गीता देवी है और चुबू उसके हस्बैंड का नाम है, उसने पीने खाने से लेकर परसों ही मारपीट किया शाम में और कल उसकी मृत्यु संभवतः कल उसकी मृत्यु हो गई। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के मोहल्ले की एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। वहीं चेवाड़ा थाना क्षेत्र के लोहान गांव में एक महादलित महिला के साथ 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास किया। महादलित महिला के बयान के आधार पर लोहान पंचायत के रंजीत कुमार समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी सुनील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे नाबालिग होने के कारण जुवेनाइल कोर्ट में पेश करने की बात कही गई है। मैं अपने खेत में घास कबाड़ रही थी, उधर से आया रंजीत सिंह और बबलू सिंह और संदीप सिंह आकर को मुझे मुकेश सिंह जो आकर को मुझे धक्का धुक्की दिया, तीनों तरफ से छेक लिया वो लोगों ने और मुझे धक्का देकर को गिरा दिया। जब मैं चिल्लाने लगी तो वो सब भाग गया, मेरा गले में भी चैन था वो भी छीन लिया, पैर में भी चांदी का पायल था वो भी छीन लिया, हाथ में चांदी का बाला था वो भी छीन लिया। मेरे साथ वो जबरदस्ती करने का कोशिश किया, मैं चिल्लाने लगी इसके मतलब भाग गई। इसका साथ हुआ कि मतलब दुकान गया बच्चा तो मतलब 5 रुपये के बिस्कुट ला ले भेजे बच्चा के तो हाँ इसका बोला के कोठा पर इसका बेइज्जती कर दिया। आया फिर इसका 2 दिन के बाद हमको ये बच्चा बताइए ठीक कहे तो बहन से बता रहे थे, बहन बताए हमको बेटी बताई कि देखिए ऐसा ऐसा काम हुआ मम्मी शनिचर यादव के बेटा है। क्या किया था इसका जो है हम गलत काम कर रहे थे लेके गया था और मतलब कुछ गलत काम उसके साथ किया तो इस आधार पर फिर आगे के एक FIR दर्ज किया गया है और वहाँ पे जांच पड़ताल जब की गई है तो सुनील कुमार को जिस पे आरोप लगा है उसको अरेस्ट करके थाना ले आया गया है। आगे चूँकि जो जिस पे आरोप लग रहा है वो भी नाबालिग है तो इसका हम लोग जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में इस केस को भेजेंगे। शिक्षा का अभाव इंसान को कई गलत राह चुनने को मजबूर कर देता है और कई गलतियां इंसान के पूरे जिंदगी को ही प्रभावित कर देता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है सूरजपुर के सुदामा नगर गांव में, जहां एक महिला पिछले 11 साल पहले शिक्षा का अभाव और गरीबी में एक युवक से अवैध संबंध तो बना लिया, लेकिन उसका खामियाजा आज उसके 11 साल के बेटे को झेलना पड़ रहा है, जहां आज स्कूल में उसके पिता के नाम के लिए अंक सूची नहीं दिया जा रहा है। 15 साल पहले सुदामा नगर गांव की रामेश्वरी को विवाह के बाद उसके पति ने 6 साल के बच्चे के साथ अकेला छोड़ दिया, जहां अशिक्षा और गरीबी की मार झेल रही रामेश्वरी ने गांव के ही एक विवाहित युवक के यहां नौकरानी का काम करने लगी और उस युवक से 5 साल के अवैध संबंध के बाद वह गर्भवती हो गई।
जिसके बाद युवक ने रामेश्वरी को छोड़ दिया, जहां बच्चे को जन्म देने के बाद पीड़िता ने पुलिस के पास शिकायत की। वहीं आर्थिक तंगी और शिक्षा के अभाव के कारण रामेश्वरी अधिकारियों के चक्कर नहीं काट पाई, जहां रामेश्वरी के पहले पति का बेटा आज बालिग होने को है और वह सामाजिक तानों के कारण रामेश्वरी को अलग होने को लेकर विवाद करता रहता है। वहीं 11 साल का बेटा 5वीं की पढ़ाई कर रहा है, जहां स्कूल में अब अंकसूची में पिता के नाम को लेकर न्यायालय से प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा जा रहा है। स्कूल में कहते हैं कि ये कर अनुसूची बनवा, तो मैं कहें तुमन बनावा, तो कहीं हमार से बदनाम हो जाही, हमन नहीं बनवाई, तय कोर्ट से बनवाए के लान तोर पति का नाम से चाहे ओकर नाम से तय बनवाए के लान, हमार से बदनाम हो जाही, हमन पराबित नहीं बनाई। लड़का परेशान करत है, मोर साइकिल ले दे, मोर बर घर बनवा, हमरे अलग रहब, ये बड़े लड़का है गरिया थे साथ में है, तो शादी करे बकरत है, कहते हमार साथ में रहा तो मुके कोई बेटी नहीं दे, ना मोर घर कोई कंवर नहीं आए, मोर थे काही नहीं है भैया। जो पहले जो घोषणा की थी उनकी माँ, तो उसमें बलिराम लिखवाई थी, है ना। अब बोलती हैं कि बलिराम को सुहा करना है, अब जाति भी बदलवाना है, जबकि उसमें पैकरा लिखवाई थी। तो मैं कहा कि भैया तो पंचायत से कुछ करा के लाइए प्रूफ, या नोटरी कुछ करा के लाइए, जिससे हमको कुछ प्रूफ मिल सके, उसके आधार पर मैं कुछ चेंज कर सकूं। तो उन्होंने बोला कि इस सूची में सुधार करना है, तो मैं किस आधार पर करूं, वही आधार मांग रहा था। सूरजपुर जिला आदिवासी बहुमूल्य है, वही आज भी शिक्षा का अभाव के कारण ग्रामीण परिवेश में सुधार नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सुदामा नगर की रामेश्वरी 11 साल से आज भी पुलिस पर आस लगाए बैठी है कि उसके बेटे को पिता का नाम और भरण पोषण की जिम्मेदारी जल्द मिल जाएगी। वही अब स्कूल में अंक सूची में पिता के नाम के सुधार को लेकर रामेश्वरी के सामने एक और परेशानी खड़ी हो गई है, जहां स्कूल के प्रधान पाठक ने बताया कि पीड़िता अपने बेटे के पिता के नाम के आगे सरनेम जुड़वाना चाह रही है, जिसके लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। वही जिले के एडिशनल SP के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद उन्होंने संबंधित थाना से जानकारी लेने की बात की, साथ ही मामले में पीड़िता को न्यायालय का सहारा लेने की बात करते नजर आए। जहाँ तक रही बात महिला के से बच्चे होने का और 11 साल का बच्चा है, और आज तक उन्होंने किसी जगह FIR वगैरह नहीं कराई, और आज के डेट में FIR दर्ज कराना चाहेगी तो FIR तो संभव नहीं है। उसके लिए पुलिस में आने पर उसके धारा 155 CRPC के तहत हमारे द्वारा फैना दी जाती है, और उसके तहत ये कही जाती है कि उनको शरण में न्यायालय का शरण लें और न्यायालय जाने की सलाह दी जाती है। तो अगर वो न्यायालय की शरण लेती है तो उनको न्याय मिल सकता है। जहां पीड़िता ने अशिक्षा और आर्थिक तंगी के कारण तो सामाजिक लाज के दरवाजे को लांग गई, लेकिन 11 साल से ना ही उसके बच्चे की किसी ने सुध ली और ना ही उसके गलती को किसी ने माफ किया। वही समय के साथ उसके मासूम बच्चे की उम्र भी बढ़ रही है और परेशानियां भी। ऐसे में महिला के लिए पुलिस और न्यायालय को समझ पाना मुश्किल है। बहरहाल पीड़िता द्वारा गाँव के युवक पर लगाए आरोप के लिए पुलिस और जिले में संचालित सामाजिक संस्थाएं क्या कदम उठाती हैं, यह देखने वाली बात होगी। पंजाब के महानगर पुलिस ने अलग अलग नाकाबंदी करके रेड चिली गिरोह के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो आंखों में लाल मिर्च फेंककर पर्स मोबाइल लूटा करते थे। इसी तरह पुलिस ने 2 स्नेचरों व 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार करके उनके पास से लूट चोरी के पर्स, मोबाइल फोन व चोरी वाहन बरामद किए हैं। सिविल लाइन पुलिस व थाना सी डिवीजन पुलिस ने अलग अलग स्थानों से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतुल चावला ते आरिम चोपड़ा जेडे इत शरीफपुरे के रहने वाले है, इन्होंने असी मौके पर जो 379B का 34 का जो इन्होंने अपने की नाम उन्होंने सन रितु रितु मैडम रितु तलवार इन्होंने जो खो करने की कोशिश की सी पकड़े गए। तो उस तो बाद एक मुकदमा असी दर्ज किया, मुकदमा नंबर 71 जिद मनी शर्मा तो अमित शर्मा ये भी 379B 34 है, इन्हों वालों एक मोबाइल सैमसंग J2 एक मोटरसाइकिल बरामद हो एक तीसरा मुकदमा असी किया जिदे नवदीप सिंह संदीप सिंह वालों इन्ना इन्होंने एक्टिवा स्कूटर चोरी किया मौके पर ही इन्होंने फड़िया गया। हजे पुछगिछ च आया कि इन्होंने जो बीड़ी सिगरेट जे पान बेचते ये वारदात उन्होंने भी करते सी, असी अगे इन्हों की पुछगिछ जारी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।